morning, students. So yesterday we started off with Bohr's model. So very important model, and today we are going to do lots and lots of formulas, values. So you have to learn them nicely, because Bohr's model is considered to be very important from theory as well as competitive exams point of view. So yesterday we started off with it, and we did just two points. First point was ki jo electrons hai bache o nucleus de roundabout revolve karde hai, not in empty spaces but in fixed circular paths known as shells ya fir orbits. Yani ki the concept of orbit ya shells were introduced by Bohr. Second point we did कि एक पर्टिकुलर शेल दे विच, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट दे विच, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ने उसकी एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, मोमेंटम, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, वो चेंज नहीं होता अकॉर्डिंग टू बोहर. सो जो अपना फर्स्ट ड्रॉबैक सी रदरफोर्ड्स मॉडल का, वो इस दे नाल कंप्लीट हो गया, मतलब इस दे नाल वो खत्म हो गया ड्रॉबैक. वो ड्रॉबैक की सीगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, रदरफोर्ड्स ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एम्प्टी स्पेसेस, ता आपा ने कहा कि अगर वो एम्प्टी स्पेस से रिवॉल्व करेंगे ता इलेक्ट्रॉन्स बीइंग नेगेटिव एंड न्यूक्लियस बीइंग पॉजिटिव वो कदे ना कदे आके न्यूक्लियस दे विच गिर जाएंगे, अपनी एनर्जी लूज करते रहेंगे, एंड अल्टीमेटली दे विल फॉल इन टू द न्यूक्लियस एंड हेंस द एटम शुड बी अनस्टेबल, बट एक्चुअली द एटम इज वेरी मच स्टेबल. सो वो ड्रॉबैक रिमूव हो गया, क्योंकि जिन्नी देर तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल दे विच है वो अपने आप एनर्जी ना तो लूज करेगा ना गेन करेगा. सो जो वो लूज ही नहीं करेगा तो ऑफकोर्स वो न्यूक्लियस दे विच आके फॉल नहीं कर सकता. सो दैट ड्रॉबैक वॉज रिमूव्ड. हुन जो सेकेंड ड्रॉबैक सीगा, द सेकेंड ड्रॉबैक वॉज कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी सेकेंड ड्रॉबैक वॉज कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर लगातार अपनी एनर्जी रिलीज करते करते न्यूक्लियस गिरनगे तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा दैट शुड बी कॉन्टीन्यूअस, बट आपने कहा स्पेक्ट्रम इज डिसकॉन्टीन्यूअस. जो एटम्स का स्पेक्ट्रम होंगे दैट इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट शार्प लाइन्स, उन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम कहने हैं. अज के लैक्चर तो बाद आपको भी क्लीयर हो जाएगा कि वाई इट इज नॉट कॉन्टीन्यूअस, जो स्पेक्ट्रम बनता है एटम का वो कॉन्टीन्यूअस क्यों नहीं होंगे. सो फर्स्टली आप कल वाले पॉइंट ते ही निगाह मारते हैं पहला. सो फर्स्ट पॉइंट वॉज कि न्यूक्लियस दे राउंड अबाउट देर आर फिक्स्ड सर्कुलर पार्ट्स नोन एज शेल्स. सो ये शेल्स होंगे ने फर्स्ट, सेकेंड, सिमिलरली वी कैन से दिस इज योर थर्ड शेल, this is your fourth shell and so on. So jo electrons ne wo in the shells de vich hi revolve karde hai. So the electrons revolve around the nucleus in these particular shells. So and they revolve karenge wo. Done. So ना तो वह एक जो पर्टिकुलर जो एक पर्टिकुलर शेल दे विच इलेक्ट्रॉन है उन्ना इधर जा सकता है ते ना ही इधर आ सकता है, जिन्नी देर तक आप उसको बाहरों कोई एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे. जो आप विच स्पेसिस रह गई, दीज आर कॉल्ड नोड्स. इथे इलेक्ट्रॉन्स दे पाए जाने की जी प्रोबेबिलिटी है दैट इज जीरो, मीनस इथे इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल सकते. सो नू या इलेक्ट्रॉन इथे मिलेगा या एथे या एथे या एथे, इस स्पेस दे विच आपां नूं इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, एंड दीज आर कॉल्ड नोड्स. हेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज एब्सोल्युटली जीरो. नाउ सो हुन नेक्स्ट पॉइंट जो बोहर ने कहा कि जिन्नी देर तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल दे विच रहेगा उसकी एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, मोमेंटम वो सब की रहेगा बिल्कुल कॉन्स्टेंट, एंड इसे करके आपां शेल्स नूं एक स्पेशल नेम भी दिता सी केड़ा, स्टेशनरी स्टेट्स. डन. सो हुण आपां इस तो अगे कंटिन्यू करते हैं. सो बच्चे द फॉर्मूलाज नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल
ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਵਾਲਾ ਡਰੋਬੈਕ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਨਰਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਫਸਟਲੀ ਵੀ ਡੂ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫੋਰ ਐਨਰਜੀ। ਬੱਚੇ ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਪੀਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਆਰ ਵੈਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਈਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਾਊਂਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈਲਿਊਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਥਿਊਰੀ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜੋ ਐਨਰਜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਬੋਹਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ EN is equal to minus 1312 upon N square kilojoules per mole. This is ek particular shell de vich energy, jo ithe N hai, N ki hai? Shell da number. N is equal to 1, 2, 3, 4, N, shell da number. So, ek particular shell de vich electron di energy kinni hoegi? Minus 1312 N upon N square ਕਿਲੋਜੂਲਸ ਪਰ ਮੋਲ। ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਨਸ 1312 ਅਪੋਨ ਐਨ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਜੂਲਸ ਪਰ ਮੋਲ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਹ ਯੂਨਿਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਿਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਿਲੋਜੂਲਸ ਪਰ ਮੋਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਜੂਲਸ ਪਰ ਐਟਮ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਦੇਖੋ, ਸੋ ਈ ਐਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੈਟ ਬਿਕਮਸ ਮਾਈਨਸ 2.18 into 10 raises minus 18 joules per atom. ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਲੋ ਜੂਲਸ ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜੂਲਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 9th ਸਟੈਂਡਰਡ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, 1 ਮੋਲ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਵੋਗੈਡਰੋਸ ਨੰਬਰ 6.02 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 23। ਸੋ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਬਾਏ 1 ਮੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6.02 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਸ ਟੂ ਪਾਵਰ 23। ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸੀ ਮਾਈਨਸ 1312 ਕਿਲੋ ਜੂਲਸ ਪਰ ਮੋਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਲੋ ਜੂਲਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੂਲਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 1000 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਐਂਡ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਬਾਏ 6.02 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਸ ਇਸ 23। ਸੋ ਮੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਟਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ 2.18 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਸ ਇਸ ਮਾਈਨਸ 18 ਜੂਲਸ ਪਰ ਐਟਮ ਅਪੋਨ ਐਨ ਸਕੁਆਇਰ। ਸੋ ਡਨ। ਨਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟਸ ਪਰ ਐਟਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਕੱਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੀਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਹਿੰਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1.602 ਇੰਟੂ 10 ਰੇਜ਼ਸ ਮਾਈਨਸ 19 ਕੂਲਮਸ, ਸੋਰੀ ਜੂਲਸ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ 1 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ ਮਾਈਨਸ 13.6 ਅਪੋਨ ਐਨ ਸਕੁਆਇਰ, ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟਸ ਪਰ ਐਟਮ। ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਥ੍ਰੀ ਵੈਲਿਊਸ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਥਰਡ ਐਂਡ ਫਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਫਸਟ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊਸ ਯੂਜ ਕਰੂੰਗਾ, ਫਾਈਨ। ਨਾਓ ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਵੈਲਿਊਸ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ 1312 ਅਪੋਨ ਐਨ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋ ਜੂਲਸ ਪਰ ਮੋਲ, ਫਾਈਨ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ E1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 1312 ਅਪੋਨ 1 ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 1312 ਕਿਲੋ ਜੂਲਸ ਪਰ ਮੋਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ,
-1312 डन हुन नेक्स्ट शेल दे आ जाओ सो सेकंड शेल दे विच एक इलेक्ट्रॉन दी एनर्जी कितनी होएगी -1312 अपॉन 2 द स्क्वायर जब तुसी इसनु डिवाइड कर दोगे तो सोडे कोल वैल्यू आ जाएगी -328 पॉइंट समथिंग किलो जूल्स पर मोल सो ये आ गया -328 किलो जूल्स पर मोल फाइन थर्ड शेल सो -1312 अपॉन 3 द स्क्वायर कितना होगा बच्चे 9 अपन 9 ना डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट -145 किलो जूल्स पर मोल सो -145 किलो जूल्स पर मोल एंड सिमिलरली फोर्थ शेल लेवल -1312 अपॉन 4 द स्क्वायर 4 स्क्वायर्स आर 16 नाउ -82 पॉइंट समथिंग सो हियर द एनर्जी इज -82 किलो जूल्स पर मोल सो एनर्जी वैल्यूज आ गई है बच्चे सो तुसी क्लियरली देख रहे हो कि जिवें जिवें आपां न्यूक्लियस तो दूर जा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की होती जा रही है की हो रहा है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नूं हां जी सोचो सो जिवें जिवें आपां न्यूक्लियस तो दूर जा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इज इनक्रीजिंग गेटिंग अ पॉइंट सो साडे माइंड की आया डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं नेगेटिव वैल्यूज है सो नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज हो रही है यानी कि एनर्जी इज इनक्रीजिंग बच्चे गेटिंग अ पॉइंट सो जिवें जिवें अपन न्यूक्लियस तो दूर जा रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जा रही है मैक्सिमम वैल्यू कितनी होएगी उसकी अगर मैं सोनू क्वेश्चन पूछा कि एक इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस तो मैक्सिमम दूरी तो वैल्यू कितनी होएगी सो देखो बच्चे मैक्सिमम दूरी कितनी होएगी न्यूक्लियस तो इनफिनिटी मतलब आप कदे भी यह स्पेसिफाई नहीं ना कर सकते कि अपने को एक एटम दे विच शेल्स किन्ने सो इनफिनिटी बहुत सारे शेल्स है ना सो इनफिनिटी ते एनर्जी कितनी होएगी -1312 अपॉन इनफिनिटी द स्क्वायर एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफिनिटी कितना होगा बच्चे जीरो डन सो एन इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस उसकी एनर्जी कितनी होएगी जीरो सो बेसिकली मैं की कह सकता है कि न्यूक्लियस तो दूर जाते जाते एनर्जी इंक्रीज कर रही है मैक्सिमम वैल्यू जीरो है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा की होगी नेगेटिव और वध तो वध उसकी एनर्जी कितनी हो सकती है जीरो डन सो दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट कि एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दी वैल्यू कितनी होती है किसी भी शेल -1312 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल्स पर मोल सो पहले शेल दे विच -1312 दूसरे च -328 तीसरे च -145 चौथे च -82 एंड सो ऑन आप अगे डिवाइड करते जावांगे एंड डन नाउ एक चीज होर ध्यान रखनी है बच्चे याद रखना है कि जिन्निया भी बोहर्स दे मॉडल दिया फाइंडिंग सीगिया बोहर्स मॉडल एक फुटनोट बना के स्टार पॉइंट बना के अपने किते भी अपर कॉलम दे विच लिख लो कि बोहर्स मॉडल इज एप्लीकेबल बोहर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज बोहर ने जिन्हिया भी फाइंडिंग्स कीतियां सी वो हाइड्रोजन दे ऊपर कीतियां सी हुन हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज का की मतलब है हाइड्रोजन दे कोल किन्ने इलेक्ट्रॉन्स होंदे बच्चे एक यानी कि तुसी बोहर्स मॉडल नू सिर्फ जो भी बोहर दे फॉर्मूलाज है जो मैं सानू लिखवाऊंगा या एक फॉर्मूला हुण आपां ने लिख लिया तुसी इन्हां नू किस दे उपर अप्लाई कर सकते हो सिर्फ ओनली आ स्पीशीज दे उपर जिन्हां कोल एक इलेक्ट्रॉन होंदा सिंगल इलेक्ट्रॉन जिवें कि हाइड्रोजन हां जी नेक्स्ट एटम इज हीलियम हीलियम को कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दो एक नो रिमूव कर दो सो की बन गया हीलियम प्लस सो हीलियम प्लस के ऊपर बोहर्स मॉडल एप्लीकेबल है लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3 दो बाहर कर दो सो लिथियम 2 प्लस बेरिलियम 3 प्लस एंड सो ऑन सो हाइड्रोजन सो बोहर्स मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट
जिन्हें भी आप फॉर्मूलाज करा वह सारे आप हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के उपर ही लगा सकते हैं। तो जेड़ा ये फॉर्मूलाज मैं सू करवा रहे हैं यह सिर्फ हाइड्रोजन लिए है, बाकिया इन्हों आप हल्का हल्का मॉडिफाई करा बट वो बाद विच। ठीक है ना, या इदा करो कि मैं सू ही करवा दिना उन्होंने मॉडिफाई ताकि तुसी नाल नाल ही लर्न कर सको। जिवें कि हुण एनर्जी का फॉर्मूला आपने किया, देखो एनर्जी का जो एक्चुअल फॉर्मूला है दैट इज ई एन इज इक्वल टू आपने यूज किया -1312 अपॉन एन स्क्वेयर किलो जूल्स पर मोल। ये किदे लई है? हाइड्रोजन लई। बाकी सारे लई की लगूगा? इंटू जेड स्क्वेयर। जेड की हुंदा सी बच्चे एटोमिक नंबर, सो जेड इज एटॉमिक नंबर एंड एन इज शेल नंबर। सो हम देखो हाइड्रोजन लिए आपको जेड लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि हाइड्रोजन लिए जेड की वैल्यू कितनी है? 1। सो अगर तुम 1 का स्क्वायर पुट करोगे तो 1 ही आएगा। सो अल्टीमेटली की आ जाएगा सोडे को? -1312 अपॉन एन स्क्वायर। डन। सो एक्चुअल वैल्यू हम अगर सपोज मैं सू कह कि कैलकुलेट द एनर्जी फॉर, वैसे ही दस रहे हैं आप इदा के न्यूमेरिकल्स करा। सपोज मैं सू क्वेश्चन कह कि दूसरे शेल के बिच हीलियम प्लस दे दूसरे शेल के बिच इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फाइंड आउट करो, तो तुम इथे 2 का स्क्वायर पुट करोगे, इथे भी 2 का स्क्वायर पुट करोगे क्योंकि हीलियम का एटोमिक नंबर इज 2। डन। नाउ सो बच्चे एनर्जी का फॉर्मूला इज -1312 अपॉन एन स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन, -1312 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स। डन। नाउ सो दिस इज अबाउट एनर्जी। अपर रेडियस वेलोसिटी मोमेंटम वगैरह के फॉर्मूलाज भी करांगे, बट उस तो पहला विल कम टू दैट पॉइंट कि जो एटम का स्पेक्ट्रम हुंदा वो कॉन्टीन्यूअस क्यों नहीं हुंदा। हुण देखो बच्चे, सो अगेन आई रिपीट फ्यू पॉइंट्स। सो बोहर्स मॉडल का फर्स्ट पॉइंट वॉज कि इलेक्ट्रॉन्स एटम दे राउंड अबाउट रिवॉल्व करते हैं इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ नोन एज शेल्स या ऑर्बिट्स। सेकेंड पॉइंट कि शेल्स या ऑर्बिट्स जो होंगे ने दे आर नोन एज स्टेशनरी स्टेट्स, क्योंकि उन्होंने एटम की एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वेलोसिटी रेडियस मोमेंटम सब कुछ की रहता है सेम। अज आपने एक होर पॉइंट कर लिया, अच्छा एक पॉइंट होर किया कि जिनी देर तक एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर शेल दे विच है ना तो अपनी एनर्जी गेन करता है ते ना लूज करता है। अज आपने एक पॉइंट होर कर लिया कि आपने हर एक शेल दे विच उन्होंने एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी कर लिया। नाउ हुण नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर एक इलेक्ट्रॉन नू आपने एक शेल तो दूजे शेल से लेके जाना है तो आपको की करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल हुण हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितने होंगे? इतने फर्स्ट शेल च। लेट इट बी मैं उस इलेक्ट्रॉन नू इथे 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 कितने भी लेके जाना तो मैं की करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल मैं की करना पड़ेगा, है ना? सो हम देखो बच्चे जस्ट इस समझने लिए एक सिंपल जी एग्जाम्पल मैं दिना है कि लाइक स्कूल जिम्मे सैक्शन होंगे है ना, एंड कई स्कूल जस्ट रैंडमली बच्चे रखे जाते हैं सैक्शन, कई स्कूल अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंसिस रखे जाते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल देर आर 4 सैक्शन इन अ पर्टिकुलर स्कूल ए बी सी डी। जो ए सैक्शन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੀਪ ਅਬਵ 90% ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੀਪ 80-90%, ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੀਪ 60-80% ਐਂਡ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੀਪ ਬਿਲੋ 60%। ਫਾਈਨ। ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯੂ ਆਰ ਸਮਵੇਅਰ ਹੇਅਰ, ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਸੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ सर मैं ए सैक्शन दे विच ही पढ़ना है, मैं सी दे विच नहीं पढ़ना, तो प्रिंसिपल या टीचर उसनू की कहेगा? फाइन, तुसी अपनी क्लास दे विच अबव 90% ले लो ते ए सैक्शन चले जाओ, गिवेंगा पॉइंट।
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੈਪ ਹੈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨਫੈਕਟ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੋਰ ਕਰਦਾ 60-80% ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, 60 ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2-4% ਵਧਾ ਕੇ 85 ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚ ਉਹ 92 ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਏ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 60-80 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਏ ਸਿੱਧਾ 95 ਲੈ ਗਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਏ ਚ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਰ ਗਿਰ ਗਈ, ਉਹ 55 ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਡੀ ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹੇ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਓ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨੀ ਐਨਰਜੀ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ E2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ E1 ਚ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਡੈਲਟਾ E। ਸੋ ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਡੈਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਸਟੈਂਡਸ ਫੋਰ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਸੋ ਡੈਲਟਾ E ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E2 ਮਾਈਨਸ E1। ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, -328 ਮਾਈਨਸ -1312। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ 984 ਕਿਲੋ ਜੂਲਸ ਪਰ ਮੋਲ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸ਼ੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ 984 ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ 984 ਐਨਰਜੀ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟ ਇਜ ਕਾਲਡ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਜੋ ਓਰਿਜਿਨਲ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਦੈਟ ਇਜ ਕਾਲਡ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ ਕਾਲਡ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਐਕਸਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ, ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਥਰਡ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਦਿਸ ਮਾਈਨਸ ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 3-8। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ 183, ਫਾਈਨ। ਹੁਣ ਅਗੇਨ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ 183 ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਥਰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, 984 ਪਲੱਸ 183, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, 1167। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 984 ਪਲੱਸ 183 ਦਿਓ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਗਿਣੇਗਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੁਣ ਥਰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਸ਼ੈਲ ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਨਰਜੀ ਗੈਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ, 3-6। ਸੋ 63 ਕਿਲੋ ਜੂਲਸ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ 1167 ਪਲੱਸ 63, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, 1240। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ 1240 ਦੇ ਦਿਓ, 1230 ਸੋਰੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ 1230 ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਬੱਚੇ। ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਯਰ ਪੁਆਇੰਟ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਹਾਇਰ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਇਰ ਸ਼ੈਲ ਚ, ਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ੈਲਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਗੈਪ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਫਿਰ ਉਹ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਾਕਈ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 984। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ 984 ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ
पहले शेल तो दूसरे शेल पे जान ली, उसको 984 किलो जूस की जरूरत है। तो बच्चे इसका मतलब ये नहीं है कि तुसी एनर्जी देनी शुरू की हौली हौली उपर जाना शुरू हो गया, मतलब ये नहीं कि तुसी 100 देती तो इथे तक पहुंच गया, 200, 300, 400, 800, 900, 984 बस गर्म हुंदा जाएगा, एक्साइट हुंदा जाएगा। जिद्दां कि देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हुंदा बच्चे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ए थोड़ी तुसी कह सकते हो कि अगर तुसी 50 डिग्री तक हीट कर दोगे तो अद्धा पानी उड़ जाएगा, नहीं, जिन्नी देर तक 100 डिग्री टेम्परेचर नहीं पहुंचता उन्नी देर तक पानी की बॉइलिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो इसी तरीके 983 तक इलेक्ट्रॉन इथे रहेगा, तो जो ही 984 होए इन अ सिंगल जंप इट विल रीच देयर इन अ सिंगल जंप, सीधी एक जंप बजेगी तो सेकंड शेल पे पहुंच जाएगा। सिमिलरली इधर गैप देंगे तो सीधी एक जंप बजेगी तो वह थर्ड शेल, एक जंप बजेगी तो फोर्थ शेल। हाँ जी, अगर तुसी डायरेक्टली फोर्थ पे फर्स्ट की गैप, पहले तो चौथी शेल च कितना गैप सी 1230, तुसी डायरेक्टली 1230 किलो जूल एनर्जी दो तो सीधा जंप करके फोर्थ शेल पे आ जाऊगा। सो हौली 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 एनर्जी गेन करता करता वह हौली हौली नहीं पहुंचेगा, डायरेक्टली इन अ सिंगल जंप वह हायर शेल दे विच पहुंच जाऊगा। डन, सो वील कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। सो बच्चे वी हैव ऑलरेडी डन कि फर्स्ट शेल दे विच एनर्जी इज -1312, सेकेंड शेल च -328, थर्ड शेल च -183 -145 सॉरी एंड देन -83। सो दीज आर द एनर्जीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल्स। फिर आपने ये भी कर लिया कि इलेक्ट्रॉन अगर तुसी हायर शेल्स लेके जाना है तो वो दो शेल्स दी एनर्जी गैप तुसी प्रोवाइड कर दो तो इलेक्ट्रॉन उत्थे पहुंच जाएगा। नाउ हुण देखो बच्चे जदों वो एक सिंगल जंप च पहुंच गया, अच्छा हुण एक रूल ऑफ केमिस्ट्री हमेशा याद रखना है कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जिहड़ी चीज जिन्नी ज्यादा स्टेबल हुंदी है उहदी एनर्जी उन्नी घट हुंदी है, जिन्नी एनर्जी ज्यादा होएगी स्टेबिलिटी घट, जिन्नी एनर्जी घट उन्नी स्टेबिलिटी ज्यादा, यानी कि सब तो ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन इत्थे है। ताइयों देखो पहला शैल हमेशा सब तो पहला भरता है क्योंकि उहदी स्टेबिलिटी सब तो ज्यादा है, जो ये फिल हो जाता है फिर आप दूजा भरते हैं उहदी एनर्जी उस तो ज्यादा एंड सो ऑन। हुण देखो बच्चे तुसीं एनर्जी देके उसनू एक्साइट करके उपर वाले शेल्स भेजता बट उसकी स्टेबिलिटी की होगी डिक्रीज। तो कोई भी चीज है वो स्टेबल होना ही चाहती है, है ना, आप भी क्यों तुरे फिरते हैं, आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लाइफ स्टेबल होना चाहते हैं। सो देखो वो इलेक्ट्रॉन वो फालतू की एनर्जी लूज करके वापिस तो आएगा ही आएगा, ये गड़ेगा पॉइंट, वो इलेक्ट्रॉन अपनी फालतू की एनर्जी लूज करके वापिस तो आऊगा ही आऊगा। सो हुण सपोज एक इलेक्ट्रॉन तुसी इत्थे पहुंचाता सी, किन्नी एनर्जी दित्ती सी, पहले दो शेल्स दे विच एनर्जी गैप वॉज 984। तो हुण बच्चे जदों वो हुण देखो आपां स्पेक्ट्रम वाला पॉइंट क्लीयर कर रहे हैं, जदों हुण वह वापस आएगा वह इदा नहीं कि थोड़ी थोड़ी एनर्जी लूज करता 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 पहुंच गया, क्योंकि नोड्स दे विच तां इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता। सो सीधा एक सिंगल जंप दे विच 984 किलो जूल एनर्जी रिलीज करूगा एंड डायरेक्टली पहले शेल दे विच आके गिर जूगा। सो एक सिंगल झटके दे विच वो एनर्जी रिलीज करूगा ते सानू एक सिंगल फ्लैश दिखूगा एंड देन गायब। सो दैट इज वाई जो स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम हुंदा वो कदे भी कॉन्टीन्यूअस नहीं हुंदा। फॉर एग्जाम्पल हुण वो इलेक्ट्रॉन सपोज सेकेंड की बजाय फोर्थ शेल पे हुंदा, हुण फोर्थ शेल तो वापिस आन दियां उहदे कोल किन्नियां ऑप्शनस है, एक तो डायरेक्ट पहले ते, दूसरी ऑप्शन फोर्थ तो सेकंड, सेकंड तो वन, तीसरी ऑप्शन फोर तो थ्री तो वन, अगली ऑप्शन
4 तो 3, 3 तो 2, 2 तो 1. सो अपने को चार ऑप्शंस है, या तो हम चौथे तो सीधा पहले शेल ले आ जाऊंगा, या चौथे तो दूसरा, दूसरे तो पहला, चौथे तो तीसरा, तीसरे तो पहला, चौथे तो तीसरा, तीसरे तो दूसरा, दूसरे तो पहला. अगर वो पहला पार्ट फॉलो करता है तो सीधा 1230 किलो जूल एनर्जी रिलीज करूंगा एंड डन. सो सीधा सानू एक फ्लैश दिखूगी 1230 किलो जूल की और खत्म, डन. अगर वो अगला पार्ट फॉलो करता है, एक गैप सी 984, जिहड़ा ऊपर वाला गैप है वो कितना हो गया 246. हुण सानू दो फ्लैशेज आएंगे, जो सेकंड जाके गिरूगा 246 एनर्जी रिलीज होगी सिद्धम सिद्धि एक झटके, एंड देन नाल दी नाल कह लो चाहे थोड़ी देर बाद कह लो जो मर्जी एक लाइट दिखोगी 984 दी, डन. हुण अपने को देखो, अगर वो पहला पाथ फॉलो करूगा तो सिंपल एक लाइन, एक लाइट रेडिएशन, डन, क्योंकि उन्हें सिंगल 1230 किलो जूल एनर्जी सीधी रिलीज की है. जिदा आप दिवाली वाले क्रैकर चलाने हैं, सीधा एक बॉम्ब फुटिया दिखिया ते गायब. एवले केस च अगर वो सेकंड पाथ फॉलो कर रहे हैं तो अपने को दो लाइन बनेंगिया, एक पहला 246 दी फिर वो गायब, फिर 984 दी वो भी गायब, दो लाइन बन गया. हुण अगले केस च किनिया लाइन बनेंगिया, फिर दो, एक एने गैप थी, किन्ना गैप सीगा बच्चे ये 63, और एक एने गैप दी, एक किन्ना गैप है 1167. सो दो लाइन्स बन गई, एक 63 दी गायब, फिर 1167 दी वो भी गायब. आह वाले केस तीन लाइन्स बन गई, पहला एक 63 दी एसी दी 183, एसी 984. सो पहला एक लाइन बनूगी 63 दी, फिर एक इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल ते आ गया, रेस्ट ते आ गया, गायब, फिर 183 दी फिर वो गायब, फिर 984 दी फिर वो भी गायब. यू गेटिंग द पॉइंट? सो ओह एनर्जी नू लगातार हौली हौली रिलीज नहीं करूंगा, वो एक झटके च रिलीज करूंगा जदों वो जंप करूंगा फ्रॉम एक हायर शेल तो लोअर शेल, डन. ओही एनर्जी आपां इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम दिखूगी. सो जो वो एनर्जी झटके च रिलीज कर रहे हैं, स्लोली कॉन्टीन्यूअसली रिलीज ही नहीं कर रहा, सो जो स्पेक्ट्रम है वो भी कॉन्टीन्यूअस नहीं बनूंगा, वो डिसकॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम बनूंगा, गैप पा पा के बनूंगा. गेटिंग अ पॉइंट? सो दिस इज द रीजन फॉर द स्पेक्ट्रम. कल आप यही स्पेक्ट्रम डिटेल च भी करना है, ठीक है ना, आप सारिया लाइन्स में एक्सप्लेन करा कल फुली से एक्सप्लेन करा, बट अज आप एक बार अपने बाकी दे फॉर्मूलाज करने हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट एनर्जी. इन्हां फॉर्मूलाज नूं चंगी तरह वेरी नाइसली लर्न रिवाइज करते रहियो, डन. सो एनर्जी का फॉर्मूला इज -1312 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, -2.18 इंटू 10 डेज इज -18 अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम. सो आवर नेक्स्ट फॉर्मूला is velocity बच्चे. So एक इलेक्ट्रॉन की velocity in any particular shell, so Vn is given by 2.19 into 10 raises 6 into z by n meters per second. बच्चे you can always question कि सर ये values कितना आई हैं, तो फॉर्मूला सुनो मैं बाद में दसांगा, बट बिलीव मी कि अपन ये वैल्यूज दे ऊपर बेस्ड ही क्वेश्चंस आएंगे, नो डाउट कि मैं सुनूं बाद में दस दांगा, क्योंकि मैं जे हुन दसांगा तो तुसी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना. सो 2.16 इंटू 10 इज 6 इंटू जेड बाय एन मीटर्स पर सेकेंड. अगेन जेड इज योर एटोमिक नंबर एंड एन इज योर शेल नंबर. सो अगेन हाइड्रोजन के केस जेड कितना हो जाएगा 1. सो फॉर हाइड्रोजन मैं की कह सकता है 2.16 इंटू 10 इज 2.19 इंटू 10 इज 6 अपॉन एन मीटर्स पर सेकेंड. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर शेल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. लाइक अगर मैं सुनू कहा
की तुसी कैलकुलेट करो वेलोसिटी इन सेकेंड शेल ऑफ लिथियम 2 प्लस. सो लिथियम का बच्चे एटॉमिक नंबर कितना होता है 3. सो इथे तुसी 3 पुट कर दोगे सेकेंड शेल एन कितना पुट कर दोगे 2 तो थोड़ा आंसर आ जाएगा. डन. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर शेल. नाउ कमिंग टू द थर्ड फॉर्मूला. थर्ड फॉर्मूला इज फॉर रेडियस ऑफ एन एटम. सो रेडियस ऑफ एनी पर्टिकुलर शेल ऑफ एन एटम इज गिवन बाय 0.529 into n square by z angstroms. So, बच्चे units भी याद रखने हैं angstroms है. So, 0.529 into n is the shell number, z is the atomic number. So, किसी भी particular shell दे विच. So, अगर hydrogen ले, आपा z1 put कर दागे, हाइड्रोजन ली फॉर्मूला की हो जाएगा 0.529 इनटू एन स्क्वायर. सो पहले शेल के विच अगर तुसी हाइड्रोजन की रेडियस आ रेडियस फाइंड आउट करनी है तो कितनी आएगी 0.529 क्योंकि इनटू एन द स्क्वायर कितना आ जाएगा 1. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है ही है. पहला शेल ली एन भी कितना आ गया 1. सो 1 द स्क्वायर. ठीक है. नाउ सेकेंड शेल के विच कितना आएगा 0.529 इनटू 2 द स्क्वायर. 2 द स्क्वायर कितना होता है 4. सो 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस और सेकेंड शेल की रेडियस आ जाएगी 0.529 इनटू 3 द स्क्वायर कितना होता है 9. सो 9 मल्टीप्लाइड बाय दिस ओ एन ई रेडियस आ जाएगी न्यूक्लियस को. ठीक है ना. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर शेल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज. नाउ नेक्स्ट इज मोमेंटम. मोमेंटम मोमेंटम बच्चे की होता है. इनफैक्ट आप इतने मोमेंटम वर्ड नहीं यूज करेंगे, आप यूज करेंगे एंगुलर मोमेंटम क्योंकि सर्कुलर मोशन है. मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इज लाइक दिस जो बॉडी एकदम मूव कर दी है एंड जो सर्कुलर मोशन मूव कर दिया था वी यूज द वर्ड एंगुलर मोमेंटम. मोमेंटम जो होता है उसको अपन डिनोट कर देते हैं बाय पी. एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय ओमेगा. सो हां जी जो लीनियर मोमेंटम होता है एदा मूव करने का वो होता है मास इनटू वेलोसिटी ते जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज इनटू रेडियस. सो एम इनटू वी इनटू आर. सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम. किन्ना मोमेंटम होता है बच्चे एक पर्टिकुलर शेल दे विच. सो दैट इज गिवन बाय एनएच अपॉन 2 पाई. एनएच अपॉन 2 पाई वेयर एन इज द नंबर ऑफ द शेल. एच की सीधा बच्चे अपना प्लैंक्स कांस्टेंट. एच वाज प्लैंक्स कांस्टेंट. 2 पाई की वैल्यू अपन पता है 22/7 यानी कि 3.14. सो किसी भी शेल दे विच आप सिंपली कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम है रेडियस है वेलोसिटी है इन सब दी वैल्यूज की होती है क्वांटाइज्ड. देखो ना अपन एक पर्टिकुलर वैल्यू नाल मल्टीप्लाई करना है. देखो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो एन नाल डिवाइड करना है. रेडियस फाइंड आउट करनी है तो इस वैल्यू नू एन स्क्वायर नाल मल्टीप्लाई करना है. एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो एच अपॉन 2 पाई का जो फिक्स ही है ना एन नाल मल्टीप्लाई करना है. सो वी कैन से कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी पर्टिकुलर शेल इज क्वांटाइज्ड. क्वांटाइज्ड मतलब की होता है कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी नू किसी चीज नाल मल्टीप्लाई करना है. सो अपन ने एच अपॉन 2 पाई जेडी की फिक्स है उसनू शेल दे नंबर नाल मल्टीप्लाई करना है ते अपने कोल एंगुलर मोमेंटम किसी भी पर्टिकुलर शेल दे विच इलेक्ट्रॉन दा कैलकुलेट हो जाएगा. सो अपन ने कल वाला बोहर्स मॉडल नू कंटिन्यू करते हुए टुडे वी हैव डन दीज इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कि एक पर्टिकुलर शेल दे विच एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जेडी हुंदी है वो की हुंदी है फिक्स. अगर एक इलेक्ट्रॉन ने किसी हायर शेल ते जाना है तो उसनू वो दोनों शेल्स दे विचकार दी जेडी एनर्जी गैप है उन्हें जंप करके क्लीयर करना पड़ेगा.
ਉਨੀ ਐਨਰਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਨੈਕਸਟ ਐਨਰਜੀ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਸ ਹਾਇਰ ਐਨਰਜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਪਸ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਓਰਿਜਿਨਲ ਸਟੇਟ 'ਤੇ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉਨੀ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖੇਗੀ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ। ਡਨ। ਸੋ This is about the major points of Bohr's model. ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਹਰਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਐਂਡ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਿਲੋਸਿਟੀ, ਰੇਡੀਅਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਨ ਕਰੀਓ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੀਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੋਲਵ ਦ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ and you will be able to understand the spectrum of an atom.